अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? टिप टिप बारिश की बूंदे, सुहावना मौसम, हर तरफ हरियाली का एहसास, बिल्कुल। और अचानक सब कुछ बदला बदला हुआ सा नजर आ रहा है ना, आप भी यही सोच रहे होंगे। हमारा स्टूडियो भी बदला बदला नजर आ रहा है, एक से बढ़कर एक बरसात के गाने भी आपको याद आ रहे होंगे, और हो भी क्यों ना, ये मौसम का जादू ही तो है श्रुतिका। बिल्कुल मीनाक्षी, आसमान से ऐसे मानो जैसे आग बरस रही थी, जीना मुश्किल कर दिया था इस गर्मी ने। लेकिन अब न सिर्फ इंसान, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी तालाब, हर तरफ राहत की बारिश का असर दिखने लग गया है। और ये सेहत के लिहाज से भी उतना ही जरूरी था, क्योंकि गर्मी से हेल्थ क्राइसिस की नौबत बन गई थी। डिहाइड्रेशन होना, हाई बीपी, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले सबसे ज्यादा रजिस्टर हुए। बिल्कुल, इस बीच सडन डेथ की कई तस्वीरें भी सामने आई जो दिल दहला देने वाली थी। अब इस तस्वीर को ही ले लीजिए, देखिए किस तरह महोबा में एक बैंक एम्प्लॉय अपने साथियों के साथ काम कर रहे थे, अचानक उन्हें बेचैनी महसूस हुई, साथ बैठे लोगों को अंदाजा भी नहीं हुआ और सेकंड्स में हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई। ऐसी ही खबर देहरादून से आई, जहां पर फुटबॉल खेलते खेलते ओडिशा के खिलाड़ी तेंजन को हार्ट अटैक आ गया और उन्हें बचाया नहीं जा सका। कभी राह चलते तो कभी बैठे बिठाए, ऐसी तमाम तस्वीरें दिल का हाल बयां करती है। और इसकी वजह कई बार खराब लाइफस्टाइल, कोरोना के साइड इफेक्ट, तो कई बार एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है। अब तो मौसम भी सुहाना हो गया है, बस अच्छी आदतों पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि लैंसन की स्टडी के मुताबिक ऐसा करने से भारतीय भी स्पेन, इटली, फ्रांस और पुर्तगाल के लोगों की तरह लंबी उम्र जिएंगे मीनाक्षी। हाँ, लेकिन स्टडी के मुताबिक शर्त ये है कि इंडियंस अपनी हैबिट्स हेल्दी बना ले, ताकि शुगर हो, बीपी हो, मोटापा हो, इससे दूरी बनाई जा सके, हार्ट हेल्दी रहे, कैंसर का रिस्क कम हो। लैंसेट ने सीधे तौर पर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की है। तो चलिए, योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आज तो आप झूला झूल रहे हैं, सावन का झूला है ये, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़ेगी? और क्या बात है, पहले गांव में ऐसे झूला झूलते थे, ये बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, और हम जहाँ पैदा हुए वहाँ तो बबूल के पेड़ से ही ये काम चला लिया करते थे। और इधर हमारी बेटियाँ भी झूल रही है, और मौसम यहाँ भी बहुत सुहाना है, हमारी बेटियाँ यहाँ पर जम करके योग कर रही हैं। ये तो नटराज आसन, पूर्ण नटराज आसन, मधु जी, साक्षी जी और अमीषा जी, और अनुलोम विलोम करो, बाकी लगे रहो। और ये सबके साथ हार्ट के लिए अर्जुन की छाल दालचीनी तो हमने सबको बताया ही था, अर्जुन की छाल दालचीनी, लोकी का कल्प, और ये लंग बस्ती थोड़ी जबरदस्त होती, कोयल भी ऊपर बोल रही है, और हो सकता है जैसे दो तीन दिन पहले तड़ातड़ बरसात हुई ऐसी झड़ी लग जाए बरसात की भी। और हम कम से कम प्रतिदिन, चलो सब बहने, एक तरफ एडवांस योगा चल रहा है और दूसरी तरफ ये योगी जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, पावर योग के साथ हम अपनी शुरुआत करते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब किसी की जिंदगी पर ब्रेक नहीं लगेगा, किसी की जिंदगी थमेगी नहीं, अब तो चरई वेती का ये सिलसिला निरंतर चल रहा है। और मैं तो सबसे कहूँगा, इंडिया टीवी के माध्यम से यह एक नया इतिहास रचा जा रहा है। जिनको एडवांस पोस्चर करने हैं वो तो मधु, साक्षी और अमीषा के साथ इधर देख देख करके कर लेना, जिनको सहज योग करके सब रोगों से, सब दुखों से, सब दोषों से, दुर्बलताओं से मुक्ति पानी है, सिंथेटिक दवा खा खा करके बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की, सिंथेटिक दवा खा खा करके कोलेस्ट्रॉल की, और आजकल तो एनर्जी के लिए, पावर के लिए, न्यूट्रिशन की कमी के लिए भी सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल से लेते हैं, वो सब हमारी जिंदगी को और जहरीला बना देते हैं। हार्ट की जहाँ तक बात है, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए, पेसमेकर लगा, हार्ट में ब्लॉकेज आए तो स्टेंट और बाईपास करवा लेते हैं। अब किसी को पेसमेकर न लगाना पड़े,
किसी को बाईपास न कराना पड़े। ये पेसमेकर से, स्टंट से, बाईपास से बच करके हम हार्ट को 100% हेल्दी रख सकते हैं 100 साल तक। जी उसकी कितनी सहज अभ्यास है, चलो सहजता से करवा रहे हैं। स्वामी जी आपके साथ साथ सभी ने योग अभ्यास की शुरुआत कर दी है और आज मिशन है हार्ट को हेल्दी बनाने का। लेकिन स्वामी जी आज देखिए ना, मौसम खुद ये कह रहा है कि थोड़ा सा उत्साह अपने जीवन में भर लें, बारिश का थोड़ा सा आनंद उठा लें और अपनी सेहत के प्रति थोड़े से जागरूक हो जाए, एक कदम और आगे बढ़ा लें। स्वामी जी देखिए ना, इंसान क्या से क्या हो गया है, हंसता खेलता आदमी साइलेंट अटैक का शिकार हो जाता है, जान चली जाती है और ज़्यादातर मामलों में तो इसके पीछे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खराब खान पान सबसे बड़ी वजह कहा जाता है। तो स्वामी जी सुस्ती भगाने के लिए थोड़ा पसीना बहाना तो ज़रूरी है, कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? तो देखो, पसीना बहाने के लिए कोई बहाना नहीं लगाना, कम से कम एक ये, दूसरा ये, 100-100 बार ऐसे कर लेना, थोड़ा एक बार तेजी से दौड़ लेना, जो दौड़ ना पाए वो योगिक जॉगिंग कर लेना अपने घर पे ही। ये योगिक जॉगिंग का अभ्यास हमने पूरे हिंदुस्तान को सिखा दिया है, घर पर ही ये योगिक जॉगिंग करके घर पर ही देखो ये अभ्यास कितने अच्छे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 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 और घर पर ही ये ताड़ासन, तिलक ताड़ासन कितने इजी है, होले होले ही करने। कुछ लोग तो जैसे हम बहुत तेज़ी से करते हैं तो पहले से ही हथियार डाल देते हैं, पस्त हो जाते हैं, बोले अपने से ना होगा। ना मेरे भाई, थोड़ा हौसला रखो, ये सब करो, ऐसे ये सब कर लो, इसी से ही हार्ट अच्छा हो जाता है लो ऐसे। और फिर जिनसे बन पाए चलो उल्टे लेटो, ऐसे ये करना दंड, जितना ये इतना भी ना हो पाए तो ये भुजंगासन ऐसे करना, नहीं तो पीछे से ऐसे ऐसे कर लेना। देखो अचानक डेथ हार्ट अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से। अच्छा स्वामी जी एक तस्वीर और थोड़ी दर्शकों को दिखा देते हैं, और अभ्यास तो कर ही रहे हैं सब बहुत तेजी से, लेकिन बारिश जितनी राहत लेकर आती है, कैसे आफत लेकर आ गई, जगह जगह वाटर लॉगिंग की तस्वीरें देखना, ये तो बड़ी आम सी बात हो गई। मॉनसून आया नहीं कि घुटनों तक पानी भरने लगता है। ये जैसे बाहर का खराब मैनेजमेंट, सीवरेज के अंदर पन्नियां घुसी पड़ी हैं, प्लास्टिक पर तो बैन लगना चाहिए पूरे देश में। हम लोग साफ सफाई के प्रति, हाइजीन के प्रति उतने जागरूक नहीं है, और हमने सोच रखा है कि सफाई तो सफाई कर्मचारियों का काम है। ना ना, सबको एक सामूहिक उत्तरदायित्व लेना चाहिए। मैं प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं अपनी चारों तरफ साफ सफाई रखूंगा। थोड़ी बरसात होते ही चारों तरफ की प्लास्टिक सीवरेज में जा करके उसको चोक कर देते हैं, पूरा पानी भर जाता है। ये सिविक एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कई प्रकार के अवेयरनेस भी हम साथ में चलाते हैं, हेल्थ अवेयरनेस के साथ, न्यूट्रिशन अवेयरनेस, हाइजीन अवेयरनेस, सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस अवेयरनेस। खैर, तो हम लंबे लंबे श्वासों के साथ बता रहे थे भुजंगासन लंबा करें हार्ट के लिए। ऐसे हमने तो 100 बार तक का टारगेट रखा हुआ है, कितने बार का टारगेट? 100 बार का, चलो करो। देखो कितना जोरदार कर रहे हैं हमारी सब बहनें, हमारी प्रेम माता भी इतने बुजुर्ग होकर के लगी पड़ी है कि मुझे भी 100 साल अब ऐसे ही सुख से जीना है, दुखी होकर के नहीं जीना। हमारी सब योगिनी बहनें खुद भी योग कर रही हैं, औरों को करवा रही हैं, और सब लगी पड़ी है, करो धीरे धीरे, और जिनको तेज़ी से करना हो ना तो मेरी तरह से ऐसे, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए करीब 1-2 सप्ताह लगेगा। ऐसे ऐसे 100 चैलेंज, 100 टाइम्स का चैलेंज भुजंगासन का, धीरे धीरे। फिर गोमुखासन बड़ा अच्छा होता है हार्ट के लिए। तो जिनको कठिन अभ्यास करने हैं वो तो मधु, साक्षी, अमीषा के साथ कर लेना, आज लास्ट में चैलेंज भी देंगे तीनों ही, तीन देवियां इधर हैं, उधर भी मीनाक्षी, ज्योत्सना
पूजा और श्रुतिका चार देवियां हैं, दो देवता हैं हमारे, हुसैन भाई हमीद जी, और ये सिलसिला ऐसा लाखों फिर करोड़ों जुड़ गए और लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है सुबह का इंडिया टीवी का ये प्रोग्राम। स्वामी जी, आप हमेशा ये कहते हैं कि बीपी को अगर नॉर्मल रखना है तो फिर पावर योग करना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए, लेकिन क्या हाई बीपी वाले मरीज भी पावर योग कर सकते हैं? और हाई बीपी दिल और दिमाग दोनों के लिए कितना खतरनाक होता है? क्यों नहीं कर सकते? अच्छा चलो, मैं कल ही की बात बताता हूँ। ये रेनू और माता जो है बैठी हुई है हमारे यहाँ पे, इन्होंने देखा ऐसे ही, इनका बीपी मापने के लिए डॉक्टर आया, तो मैंने कहा चलो मेरा मापो पहले, तो मेरा मापा तो 100 और 105 और नीचे का 70, तो घबरा गया, और पल्स रेट 51, बोले ये कैसे हो रहा है? तो देखो, जो पावर योग मेरी तरह से रोज करेंगे ना, ऐसे ये ऐसे 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 ऐसे, उनका बीपी कितना रहेगा? 70 और 100 110 है? तो पावर योगा करने से बीपी एब्सोल्युटली राइट रहता है। कुछ लोग सोचते हैं अरे पावर योगा करेंगे बीपी बढ़ तो नहीं जाएगा, पावर योग करने से बीपी बढ़ेगा नहीं, पावर योग करने से बीपी संतुलित रहेगा, और अपने शरीर पर बीपी शुगर पर और देखो अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा। देखो ऐसे ऐसे, अब बोले बाबा जी वैसे करे तो दांत टूट जाएंगे, तो इतना तो करो ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे 50-100 बार, मैं तो 500 बार किया करता था। कितनी बार? 500 बार गुरुकुल में पढ़ते थे, अब तो 100 बार ही पर ले आए हम। मैंने कहा ठीक स्वामी जी, 50 ही कर लें। अब देखो, आपने बात बीपी की कही, ये बीपी वाला अभी बीपी से, क्या नाम है तुम्हारा यादव जी? उपेंद्र यादव। कितना था क्रिएटिनिन? 10.10, करीब 11 के करीब ही हो गया था, 11 के करीब इसका ये क्रिएटिनिन बढ़ गया था किससे, और ये भी जानलेवा होता है। और अब कितना आ गया? अब 3.20 आ गया जी, 3.2। चलो जोरदार अभिनंदन। अब थोड़े दिन में 1.5 ही आ जाएगा, 1.5 नॉर्मल होता है उपेंद्र जी, इसीलिए रुका हुआ जी। हाँ, पूरा नॉर्मल आ जाएगा। और ये बढ़ा किससे बढ़ा? ये बीपी से बढ़ा, बीपी से बढ़ा। बीपी को ठीक करने के लिए, किसको? बीपी को ठीक करने के लिए। बीपी को नहीं, बीपी को। चलो करो करो, सब बीपी को ठीक करना चाहते हैं। बीपी को नहीं जी, बीपी को। हस्बैंड को ठीक करने की जरूरत है, उसके बैंड बजाओ। खैर, तो देखो कठिन आसन तो बेटियां कितना अच्छा कर रही है ना, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाओ। तो देखो, यह है सुप्त गर्भासन। क्या है? सुप्त गर्भासन। बड़ा कठिन होता है ऐसा करना, तुमसे इतना ना हो तो घबराना नहीं। बीपी के लिए शशकासन करो, आगे झुको पीछे झुको, बीपी के लिए अभ्यास बताते हैं। लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी, और बाकी जितने भी अंकुरित हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, लाइट फ्रूट्स हैं, वो सेवन करो। और ज़्यादा ही बीपी बढ़ा हुआ तो थोड़े दिन मुक्तावटी बीपी ग्रिड ले लो, जेनेटिक बीपी, क्रिटिकल बीपी, इनकेरेबल बीपी। किसी किसी का तो रे रामा, मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग आए, ऊपर का 250, नीचे का 150, एक का तो 190। श्रुतिका जी थी, देखा ही इन्होंने क्या क्या उपद्रव होता। शशकासन, आगे झुकना और पीछे ऐसे झुकना। अब देखो, हम तो सिंपल अर्जुन की छाल दालचीनी पिलाते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल करता है, बीपी को भी। और ये जो लहसुन है ना, इसको गाय के घी में हल्का सा भून लेते हैं, इसका दुर्गंध, इसकी तामसिकता, इसके दोष, इसकी तीक्ष्णता खत्म हो जाती है। आगे पीछे झुकने से बीपी नॉर्मल रहता है, ऊपर का भी नीचे का भी, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, इन दो पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, आगे झुक करके शशकासन, ऐसे ही फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग के
सरल अभ्यास तो मैं यहाँ से बता रहा हूँ और एडवांस योग हमारी श्रद्धामयी बहने कर रही है यहाँ। ऐसे बीपी नॉर्मल हो जाता है। प्राणायाम में शीतली शीतकारी चंद्रभेदी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत से और बीपी के लिए आइस से स्पाइन पर मसाज करना जैसे कल बता रहे थे। बीपी के लिए फिर सिर पर सिरोधारा या थोड़ी देर पानी, जो घर में आप लोग शावर लगा के रखते हैं ना, उसी से ही बीपी नॉर्मल हो जाता है। मन को शांत रखो, सांसों पर दृष्टा होके साक्षी होके विपश्यना प्रेक्षा या दृष्टा ध्यान गुणातीत भावती ध्यान करो। अपने स्वरूप का चिंतन तत्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म, इतने मात्र से माने संकल्प मात्र से बीपी का समाधान हो जाता है। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग और एक ही अभ्यास है मरकटासन। देखो ऐसे ये मरकटासन, उल्टे लेट करके तो मकरासन भुजंगासन, आराम आराम से, और ये मरकटासन, ये बीपी को नॉर्मलाइज करने के लिए मरकटासन। पवन मुक्तासन भी आगे बताएंगे। बीपी से भी हार्ट अटैक होता है, बीपी से ब्रेन स्ट्रोक होता है, बीपी से किडनी फेल होती है, और यदि ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो बाद में न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड देते हैं और अनुलोम विलोम ज़्यादा करवाते हैं जी। और हमने देखा 1 से 2 सप्ताह में पैरालिसिस को हम पूरा रिकवर कर देते हैं। किडनी तो फेल हो जाए तो आपने उपेंद्र यादव का भी दृष्टांत देखा, 12 तक पहुंच गया था क्रिएटिनिन जी। स्वामी जी एक बात तो तय है कि वो तमाम दर्शक जो ना सिर्फ हमारे कार्यक्रम को देखते हैं बल्कि हर दिन आपके साथ योग करते हैं, यौगिक जीवन जीते हैं, उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। और मैं अलग अलग शहरों में जाती हूँ, जब फर्स्ट हैंड रिएक्शन मुझे लोगों से मिलता है तो ये बात और पुख्ता हो जाती है कि लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है इस कार्यक्रम के ज़रिए, आपके सिखाए हुए योग के ज़रिए। एक और रिपोर्ट का जिक्र करती हूँ, ये रिपोर्ट जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में है। भारतीय अगर हेल्दी हैबिट्स को अपनाते हैं तो इटली, फ्रांस और पुर्तगाल के लोगों की तरह लंबी लाइफ जी सकते हैं। स्वामी जी ये जो लाइफ स्टाइल है और ये लाइफ एक्सपेंडिटी की अगर हम बात करते हैं तो इंडियंस को क्या सुधार करने पड़ेंगे, क्योंकि भारतीयों की तो ज़िंदगी बहुत अच्छी और लंबी हुआ करती थी, सेहतमंद हुआ करती थी, धीरे धीरे करके बहुत हमारे यहाँ तो आशीर्वाद ही मीनाक्षी जी आयुष्मान भव का दिया जाता था जी। जीते जागते रहो, माने हमारे यहाँ तो पश्चिम शरदा शतम के वेद मंत्रों की ऋचाओं के गीत गाए हमने। पवन मुक्तासन उत्तान पादासन बहुत सरल हैं, सेतु बंद। लंबा जीने के लिए 3 मूल साधन हैं, त्रयोपष्टम्भाः, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य। सात्विक आहार, 2 बार खाना खाएं और हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड लें, जिसमें वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों और दूध दही, ऐसे अच्छी चीज़ें हों। सात्विक आहार, पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस फूड एंड हेल्दी प्योर फूड, और फिर वो भी 2 बार सुबह जूस काढ़ा, ऐसे अच्छी चीज़ें लें। सुबह 10 से 12 के बीच, शाम को 5 से 7 के बीच भोजन लें। नींद 6 घंटे की बहुत अच्छी हो, जो ज़्यादा ही सोने में आनंद लेते हैं वो 7-8 घंटे भी सो सकते हैं, लेकिन नींद उन्हीं को अच्छी आएगी जो योग करेंगे, नहीं तो आजकल लोगों की नींद उड़ी हुई है। तो नींद अच्छी आए उसके लिए योग अभ्यास करें और अपने आहार के साथ अपने विचार को भी व्यवस्थित रखें। जिनके विचारों में बहुत उथल पुथल उधेड़ बुन मची रहती है ना, उनको नींद अच्छी नहीं आती। नींद अच्छी आए इसके लिए एक आपको व्यवस्थित जीवन जीना पड़ेगा और जीना ही चाहिए। तो खैर मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो हमारी डेली का रूटीन है। इधर बेटियां तो कुछ ज़्यादा ही एडवांस आसनों में लगी हैं, और जिनको एडवांस योग करना हो तो वो कर लें। आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य का अर्थ है संयम, संयममय जीवन हो, सदाचारमय जीवन हो, मर्यादित जीवन हो। उठने बैठने खाने पीने की एक मर्यादा है, सोचने देखने सुनने की बोलने की
संबंधों की आचरण की एक मर्यादा है, अपने आचरण से अपनी निजता से नीचे नहीं आना। आहार निद्रा और संयममय जीवन, योगमय जीवन होगा तो लंबा जीवन होगा, स्वस्थ जीवन होगा, सुखी जीवन होगा, समृद्ध जीवन होगा, सृजनात्मक और रचनात्मक जीवन होगा। अब यूं जीने को तो बहुत से जीव, सांप से लेकर के हाथी से लेकर के कछुआ बहुत लंबा जीता है, लेकिन जीवन रचनात्मक होना चाहिए, सकारात्मक सृजनात्मक होना चाहिए, उत्पादक होना चाहिए। तो दोनों ही तरह का योग से जीवन होगा, लंबा जीवन होगा, सुखी जीवन होगा, समृद्ध सृजनात्मक एक दिव्य जीवन होगा, एक आदर्श जीवन होगा। ये योग से उपलब्ध होगा मेरी बहन मीनाक्षी जी। और सहज आसन 5 से 10 आसन, 5 से 10 व्यायाम, 5 से 10 प्राणायाम, थोड़े ध्यान मुद्राएं और होम रेमेडीज हम रोज बताते हैं। वो इसीलिए बताते हैं कि लोग हमारे साथ साथ कर लेते हैं, किसी का साथ चाहिए ना, अकेले हो नहीं पाता। गृहस्थ में पति पत्नी का साथ, माता पिता का साथ, अध्यात्म में गुरु शिष्य का साथ, काम में सहकर्मियों का साथ, हर जगह परस्परता में परस्पर भाव या परम आवापसते जीवन चल रहा है। हमने आपका साथ लिया और हमारे जरिए सभी देशवासी, देश ही क्यों बल्कि विदेश से आने वाले रिएक्शंस, उनके सवाल, उनके वीडियोस ये बताते हैं कि पूरा विश्व, जो कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, वो वाकई में एक परिवार जैसा लगता है और सब एक दूसरे के सहयोगी बने हुए हैं, योग के साथ एकात्म हो रहा है। स्वामी जी, पावर योग के बाद बात हार्ट मसल्स की क्योंकि हो रही है, तो हार्ट के मसल्स को कैसे हेल्दी बनाए रखा जा सकता है? कई लोग ऐसे हैं जो मिलते हैं तो कहते हैं कि मैम हाथ का तो जो है हम अभ्यास कर लें, पांव का अभ्यास कर लें, मंडूक आसन से हमारे पेट का भी अभ्यास हो जाता है, लेकिन हार्ट के अभ्यास के लिए क्या करना चाहिए, उसके मसल्स को कैसे हेल्दी बनाए रखा जा सकता है? हार्ट के अभ्यास के लिए हार्ट को ठोकने की जरूरत नहीं है। जैसे हम कपाल भाते करके लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट का एक्सरसाइज देते हैं, तो हार्ट को कैसे एक्सरसाइज देना, हाथ हिलाते तो पैर हिलाते तो हाथ पैर की एक्सरसाइज हो जाती है। ये गोमुख आसन के जरिए हार्ट की एक्सरसाइज होती है, ये लंग बस्ती के जरिए हार्ट की एक्सरसाइज होती है, ये अलग प्रकार का हार्ट का इन्फ्लेमेशन और हार्ट की तमाम तकलीफें दूर होती है। आज बादल गरज रहे हैं, थोड़ी देर में बरसने वाले हैं, लगता है इंडिया टीवी के कार्यक्रम पूर्ण होने का इंतजार कर रहे हैं भगवान जी, जैसे ही पूरा होगा ऐसे ही तड़ातड़ बरसेगा, बड़े मूसलाधार बरसात होने वाली, घनघोर मेघ छाए हुए हैं, घनघोर घटा है छाई। और हार्ट के लिए ये गोमुखासन एक, दूसरा देखो ऐसे ही, ये दो कितना अच्छा है। गोमुखासन के बाद ये हार्ट के लिए, हार्ट के मसल्स के लिए, हार्ट के आर्टरीज के लिए लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ना, ऐसे अरे अभी तो बरसात आई नहीं है, पहले से क्यों ताड़ दिया तुमने? अच्छा पहले ट्राई करके देख रहे कि जब आए तो कैसे। हाँ ये तैयारी पूरी चल रही है, इधर दिखाना भाई, ये हमारे बच्चों ने तैयारी पूरी कर रखी है कि जब बरसात आए तो पूरी तैयारी है। हाँ ये तो आ ही गई रे, बोला और आ गई। हाँ, बारिश से इंतजार नहीं हुआ, वो भी हमारे साथ साथ योग करना चाहती है स्वामी जी। बोला अब स्वामी जी बोलते हैं हाँ, कि वर्षा योग आज भी होगा, इनके राग मल्हार से बारिश हो जाती थी, अपने गद्दे उठाओ, लेकिन यहाँ तो आपके आवाज से ही हो गई। गद्दे उठा करके अलग रख दो और नीचे पन्नी है उसी ऊपर बैठो। हाँ हाँ गद्दे उठाओ, वो गद्दे क्यों भीगने देना। तो जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, गोमुखासन स्कंध संचालन, देखो ऐसे खड़े होकर के भी, बैठ करके भी, ऐसे ऐसे, फिर आगे झुकने वाला तो मैंने बताया था शशकासन, ऐसे, और पीछे झुकने वाला सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, और देखो ये ऐसे उष्ट्रासन। ए बेटियों तुम पूर्ण उष्ट्रासन करो, उनका तो हार्ट 200 साल तक अच्छा रहने वाला है, इतनी जबरदस्त है। ये मेरे साथ जो बेटियां कर रही है यहाँ पर, ऐसे ऐसे ये
अब देखो ये बड़ा जबरदस्त है। हाँ तो भाई जिनको साक्षी जी मधुर अमीषा की तरह एडवांस योग करना है वो तो भाई ऐसे कर लेना, बाकी अपना अनुलोम विलोम कर लो। ये अनुलोम विलोम सहज गति से किया हुआ भस्त्री का, भस्त्री का एक सेकंड में एक स्ट्रोक कपाल भाति का। कुछ लोगों ने भ्रांति फैला दी कि जिनको हार्ट बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, थोड़ा कमर में दर्द है, तो कपाल भाति बिल्कुल नहीं करना। नहीं, कपाल भाति करना सहजता से, इसी दम से करते हैं तो हार्ट हाई बीपी हर्निया बैकिक और कमजोरी सब ठीक होते, तेजी से नहीं करना। तो भस्त्रिका कपाल भाति अनुलोम विलोम फिर भ्रामरी उद्गीत और शीतली शीतकारी भी करना, चंद्रभेदी भी करना हार्ट के लिए। तो पूरा योग का पैकेज बता दिया, हार्ट के लिए पूरा योग का प्रोटोकॉल बता दिया मेरी बहन मीनाक्षी जी। जी स्वामी जी, अब हार्ट मसल्स तो मजबूत रहे आपने बता ही दिया, लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल स्वामी जी और उसके साथ मोटापा, अब बेली फैट, ये दिल की तमाम जो बीमारी है ये कहीं ना कहीं इनको इफेक्ट करता है। ये भी बड़ा बखेड़ा है। जी स्वामी जी, अब कोलेस्ट्रॉल तो आजकल सबका ज्यादातर बड़ा ही रहता है, जब भी लोग टेस्ट करवाने जाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखने के लिए स्वामी जी के लिए लोग रोज दवा खाते हैं जी। अब योगासन और साथ में स्वामी जी इसके उपाय, देखो रेडीमेड तो लिपिडोम है, हाँ कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, अर्जुन की छाल दालचीनी, सर्दियों में तो गर्म गर्म काढ़ा पिए अर्जुन की छाल दालचीनी का तो ठंड भी नहीं लगती, थोड़ा केसर और डाले तो कहवा जैसा हो जाता है, थोड़ा केसर तुलसी और डाले, और गर्मियों में काढ़ा बना के ठंडा करके पीना। क्या करना, काढ़ा बना के ठंडा करके पियेंगे तो गर्मी भी नहीं लगेगी, और थोड़ा सा दूध और डाल लो, इसको बोलते क्षीरपाक। क्या कहते हैं आयुर्वेद में इसको, क्षीरपाक, अर्थात एक गिलास दूध, एक गिलास मतलब छोटे वाला 200 ml, एक गिलास पानी, फिर एक चम्मच अर्जुन की छाल और 2 ग्राम दालचीनी, इसको उबाल करके फिर ठंडा करके पी ले, क्षीर पाक हो गया। अब ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, ज़्यादा है तो 2 टाइम, नहीं तो 1 ही टाइम। और ये लहसुन कल गाय के घी में भूनने के बाद ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई पकवान खा रहे हो, मिष्टान्न से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, पकवान से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर ये भी 5 से लेके 25 कली खाई जा सकती है इसकी, ये है लहसुन खाली पे, ये अर्जुन की छाल ऐसी दे रखी है हमने, अर्जुन की छाल दालचीनी पूरे हिंदुस्तान को हमने ऐसे उपलब्ध करवा रखा है। और जो यात्रा के दौरान जो है अब कौन काढ़ा पकाए कौन उबाले, तो हमने ये अर्जुन घनवटी भी तैयार कर दी, ये बहुत ज़ोरदार होती है, इसका सेप भी हार्ट जैसा ही, हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय ने मतलब बड़े एकदम खुश मिजाज डॉक्टर हैं, तो इसका हार्ट की तरह ही है, आई लव अर्जुन घनवटी, ऐसा हार्ट जैसा सेप बना रखा है। तो ये अर्जुन घनवटी ले ले, सिंपली लौकी का जूस, ये लौकी बड़ी ज़ोरदार है, लौकी का जूस और उसके बगल में उसमें पुदीना रखो, पुदीना डाल के पी लें, थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं 5-10 बूंद, और ये जो प्याज का रस है ना ये सुबह पी लिया, प्याज का रस निकाल के और फिर उसमें थोड़ा हनी मिला लें 1/2 चम्मच, कितना ही गाढ़ा खून हो, तो आज के बाद किसी को ब्लड थिनर और कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज के बाद किसी को बीपी के लिए दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लौकी का जूस, मुक्तावटी बीपी ग्रिट और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और चंद्रभेदी प्राणायाम पर्याप्त है स्वामी जी। आज के बाद शुगर की दवाई के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खीरा करेला टमाटर का जूस, ATM की सब्जी, मेथी का पानी, मेथी का जूस, एंटी डायबिटिक जूस, हमने आंवला एलोवेरा और गिलोय चिरायता कुटकी गुणवार विजय सार बताया हुआ मधुराश्री मधुगी,
आज के बाद किसी को पेन किलर नहीं लेना पड़ेगा। हमने एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निरगुंडी, सहजने का रस, एटीएम की सब्जी और पेड़ निर्गोल्ड ऑर्थोग्रीन, ये तो दवाएं खाते रहते। समझ एक चीज जानना चाह रहा था, अरे इम्यूनिटी जो प्याज का जूस आप कह रहे हैं पीने के लिए, गिलोय है, अश्वगंधा, शतावर, आपको डर है उसके बाद आपके पास कोई नहीं आएगा? नहीं नहीं स्वामी जी, इसको सुबह खाली पेट लेना है। और कितने प्याज, मतलब एक जो होते हैं ना, जो मीडियम साइज का प्याज हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसमें भी कुछ ध्यान रखना है क्या? एक प्याज मीडियम साइज का प्याज पर्याप्त है। और जिनको प्याज का रस पी, ऐसे प्याज का रस निकाल के और उसमें थोड़ा हनी मिला के पीते ना, तो उससे मतलब डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत मतलब गर्मी भी नहीं लगती है सुबह सुबह। वैसे मैंने बताया था रोज का ना करना हो तो प्याज का रस, प्याज, लहसुन, नींबू, आंवला, प्याज, लहसुन, नींबू, आंवला, अदरक, थोड़ा हल्दी, इनको कूट लें और कूट करके इसका रस निकाले और उसको हल्का हल्का धीरे धीरे मंद आंच पर गर्म किया, और जब थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब उसमें थोड़ा शहद डाल करके, शहद तो ठंडा होने के बाद ना, शहद डाल कर रखना, ये 2-3 महीने काम आ जाएगा। फ्रिज में रख लेना, एक चम्मच सुबह सुबह ले लो, ये रेडीमेड उपाय हो गए। अरे एक तो भूला ही गया मैं, रेडीमेड में हमने कोलो गार्लिक, ये लहसुन के कैप्सूल बना रखे, ये लहसुन के कैप्सूल है। अब इसका जो कलर तो कोई विशेष नहीं होता, ये ज़बरदस्त है ये लहसुन, ये 2 खा लें या एक से शुरू करें, 1-2 ये खा लिए। अथवा गोधन अर्क पीडिया, ये गोधन अर्क तो पूरे शरीर को अंदर से पूरा परिशुद्ध कर देता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्रैगलीसराइड, यूरिक एसिड, RA, CRP, NA, तमाम तरह के जितने भी साइटोकाइंस हैं, तमाम तरह के जितने भी पेन मार्कर्स हैं, डिजीज मार्कर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्रैगलीसराइड, SGOT, SGPT, क्रिएटिनिन, जितने भी विकारी तत्व शरीर के अंदर दोष बढ़ गए हैं उन्हीं से रोग बढ़ते हैं, इन्फ्लेमेशंस बढ़ गए हैं, साइटोकाइंस बढ़ गए हैं, सारे को ठीक करना है तो अकेला गोधन अर्क पर्याप्त है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है गोधन अर्क, एक चीज कितना अच्छा है। खाने के बाद थोड़ा सा नींबू, एक तो लोगों का दिल बैठा जा रहा है उससे तो आप जगा दें, निर्धन करता है पेट को, पाचन को भी ठीक करता है। और इस तरीके की बारिश के बाद 1 कप में पीना, लेकिन 1 ग्लास भर के नहीं पीना, 1 कप नींबू। गर्मी से राहत तो मिली लेकिन अब लोगों की गाड़ियां बैठी जा रही है। इंडिया टीवी के बाद लेके आना। मैं कह रही स्वामी जी पर तस्वीरें देखिए ना, किसी की गाड़ी डूबी जा रही है, किसी की चल पड़े स्कूटी को धक्का देना पड़ रहा है, ऐसी नौबत आ रही है तो दिल को धक्का ना देना पड़ जाए, उस पर जोर ना डाला जाए, यही समझाने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए कर रहे हैं। अब स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ जो खान पान की बात होती है कि खराब खान पान, और आजकल तो चलन में क्या है, प्रोसेस्ड फूड खा लेना, डिब्बा बंद खाना लेकर आ जाना, आजकल तो मार्केट में पराठे भी पैक्ड होके मिल रहे हैं, बस पैकेट में से निकालिए, उसे तलिए या सेकिए और खा लीजिए। तो स्वामी जी, अब ये जिस तरीके का पैक्ड फूड का चलन बढ़ रहा है, ये कितना हानिकारक है, इनके हेल्दी विकल्प क्या हैं? ये समोसे, पकोड़े, पराठे, स्वामी जी मौसम ऐसा है कि ये खाने का मन करेगा। अब लोग जो है, हाँ अब तेल का कंजम्पशन बढ़ने वाला है। हम पतंजलि में पहले जो रुचि सोया था, पतंजलि फूड नाम हो गया उसका, अभी कुछ बड़ा भी काम होने वाला है और अब 1-2 दिन में बता देंगे, सोमवार तक कुछ और बड़ा होगा, प्रतीक्षा कीजिए, कुछ आपको सरप्राइज देंगे। और मैंने पूछा भाई क्या हाल है, बोले जी तेल की सेल बढ़ गई। मैंने कहा क्यों? बोले बरसात होने लगी, लोग पकौड़े तल तल के खा रहे हैं, पकौड़े, चाय पकौड़े है ना, बरसात में ज़्यादा खाते हैं, नमकीन भी खाते हैं, उसमें 30% तक फैट चला जाता है। तो सबसे अच्छी नमकीन होती है कपासिया के तेल की, सरसों के तेल की, तिल के तेल की, नारियल के तेल की। पहले ही वो जो है आप लोग रिफाइंड ऑयल लेते हो फिर उसको तलते हो, वो और ज़्यादा नुकसान करता है। और मैं जो हमारी तरह से हेल्दी हो तो गाय के घी में बनाओ, लेकिन पहले कपाल भाती कर लो, फिर पराठा भाती करना या नमकीन खाना,
फिर सेवैयाँ खाना, सेवैयाँ भी खाते हैं, हाँ रोस्टेड और बिना रोस्टेड दोनों तरह की सेवैयाँ भी हमने आपको दी हैं। खैर हेल्दी चीज़ें खाओ। अब तो चारों तरफ ऐसे हो रहा है घनघोर अंधेरा सा, ऐसे लग रहा है अब भोर हुई है, और हमारा ये काला कुतरू भी, हाँ ये भी संकेत देने आया है कि भाई अब अपना इंडिया टीवी का कार्यक्रम जल्दी पूरा करो। आप अभी क्या तो फर्मेशन बाकी में लग रहे, 4 बज रहे हैं, बरसात आने वाले इसे कितना सुंदर जंगल है ये, राजा जी नेशनल पार्क है। हाँ अभी ऐसा लग रहा है घनघोर काली रात जैसे होने वाला है थोड़ी देर में, लेकिन हवा कितनी ठंडी ठंडी चल रही है ना, अब आपको मसूरी जाने की जरूरत। ये अर्जुन का पेड़ है, अर्जुन की ये दालचीनी वाला है, ये अर्जुन दालचीनी घर में लगा के रखा करो। तो अभी हम यदि बाल खोल देंगे, लेकिन नज़र मत लगाना। हाँ वैसे योगियों की नज़र लगती नहीं, नहीं है। योगियों की नज़र अच्छी होती है ना, हाँ आशीर्वाद लगता है, नज़र में आना तो अच्छा, हाँ आशीर्वाद लगता है योगियों का। तो अब जिनको पहले से जो बीमार हो, जिनको सर्दी जुकाम कफ हो, जिनको पहले से ही ऊंचा नीचा हो रखा हो, तो वो तो उठ करके अपना तान तमोरा लेके चले जाना। रे 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 रे, ये उड़ गया भाई सब, ये उड़ रहा है। अरे भाई एक इधर आके बैठो भाई, साक्षी जी मधु जी इधर आके बैठो। इंद्रदेव से प्रार्थना करनी पड़ेगी, बस थोड़ा सा इंतजार और कर ले और फिर गरज के बल से मैं जल्दी फेक विषय और ले लेती हूँ। स्वामी जी दिल की सेहत का डाइजेशन पर भी बहुत असर पड़ता है, मैं क्या कहूँ, मेरा टॉपिक लेते लेते मेरा मन करता है कि मैं तस्वीरों को देखने लग जाऊँ, इतनी अच्छी हवा बह रही है। अब इतनी अच्छी जब बारिश का मौसम हो जाता है तो लोग क्या कहने लगते हैं कि थोड़े से पकोड़े खा लिए जाएं, थोड़े से समोसे तल लिए जाएं, आज छोला भटूरा खाते हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया। तो फिर क्या होता है, गैस बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट खराब होने लगता है, गैस्ट्रिक दिक्कत स्वामी जी हार्ट अटैक की वजह बनती है, कई लोगों की जान भी जाती है, बहुत गंभीर विषय है, हंसी मजाक में हम कहते हैं, लेकिन ये जो ओवर हॉलिंग होना अब ये दिल के लिए ठीक कुछ नहीं बन सकता। साक्षी अमीषा, हाँ इनको कुछ नहीं बनेगा, ना गैस बनेगी ना एसिडिटी बनेगी। जिनको गैस बने वो मंडूक आसन योग मुद्रासन कर लेना, लेवोग्रिट लिवामृत ले लेना, खाने के बाद रोज हम बताते हैं ना ये द्राक्षा सब ले लेना, और साथ में हार्ट की प्रॉब्लम हो तो अर्जनारिष्ट ले लेना, नींद ना आती हो तो सरसतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट साथ साथ ले लेना। तो देखो डाइजेशन गड़बड़ हो तो सुबह सुबह अनार ले लेना, लौकी का जूस ले लेना, और जो है रात को शुद्धि चूर्ण, जिनको थोड़ा कब्ज है त्रिफला चूर्ण, सारे पंछी उड़ गए हमारे। और तुम अपना वर्षा स्नान कर लो, अनुलोम विलोम करो, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, अमृत बरस रहा है, अमृत वेला जाग अमृत बरस रहा, योग करण में लाग अमृत बरस रहा, तो अमृत वेला जाग अमृत बरस रहा। तो ये तो बड़ा जोरदार कार्यक्रम चल रहा है, इधर हमारी बेटियों ने हमारा ये जो है नीचे का कारपेट भी थामा हुआ है, और इधर पूर्ण उष्ट्रासन भी हो रहा है, अद्भुत। तो अब डाइजेशन किसी का गड़बड़ नहीं रहेगा, खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाना, खाने के बाद थोड़ा छाछ में लवण भास्कर हिंगवास्टिक ले लेना, गैस बने तो गैसर ले लेना, और ये बड़ा ज़ोरदार मामला है। तो अनुलोम विलोम, ये तुम गई नहीं, वापस आ गई, चलो यही, हाँ ये तो घूम घूम करके अपना साजो सामान बस में रख करके फिर वापस आ गए। अब स्वामी जी प्राणायाम भी दिल की सेहत के लिए संजीवनी हो गई है, और इधर से योग मंडली भी, जैसे बारिश स्वामी जी पेड़ पौधों के लिए संजीवनी होती है, वैसे प्राणायाम इंसान के लिए कह सकते हैं संजीवनी है। तो कौन कौन से प्राणायाम करें ताकि
दिल जो है हर मुश्किल को आसानी से स्वामी जी पार कर जाए और तंदुरुस्त रहे आजीवन। कम से कम भस्त्री का जी, कपाल भाती, कपाल भाती करना और बाह्य प्राणायाम करना, जो इनसे एडवांस योग ना हो कि भाई मैं तो राज कपोत आसन नहीं कर सकती, मैं क्या करूं, ये अनुलोम विलोम करो सारी, हाँ सब अनुलोम विलोम करो, फिर भ्रामरी उद्गीत और मन बेचैन अशांत रहता, गुस्सा बहुत आता है, उथल पुथल बुधेड़ बुन मची रहती है, तो शीतली शीत करी ये दो शीतली शीत करी, और हार्ट के लिए थायराइड टॉन्सिल के लिए ऊंचाई बड़ा जबरदस्त है, ये कर ले। अब जिनका शरीर पर संतुलन हो तो क्या नाम है इस आसन का, एक पाद उत्थित आसन। अब देखो भाई, ये एक एक आसन का चैलेंज अब पूरे देश में एडवांस योग हो रहा है, जो रोज इंडिया टीवी पर वीडियो आ रहे हैं ना, अब उन्हीं का वक्त हो गया है, आप उधर से वीडियो दिखाओ, आज इधर से एक नया वीडियो हम देने वाले हैं, चक्रासन का, पूर्ण चक्रासन का, डिम्बासन का, विपरीत डिम्बासन का तो चैलेंज हम दे चुके हैं, आज चक्रासन करो बेटियों, आज गुरु के आदेश का तो पालन होना चाहिए, जल्दी से बता देते हैं स्वामी जी, आपके योगिक चैलेंज को एक्सेप्ट करके बहुत सारे दर्शकों ने हमें अपने वीडियोस भेजे हैं, इनमें से कुछ अच्छे वीडियोस आपके सामने, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुरुग्राम, पुणे, पूरे देश भर से एक बार जोरदार तालियां हो जाएगा, पूरा योग का ऐसा आंदोलन सा बन रहा है, एक योग का जोश जुनून ऐसा पूरे देश में, योग घर घर तक, बच्चे बड़े बुजुर्ग तक एडवांस योग कर रहे हैं, और इधर तो अब देखो कल का नया चैलेंज चक्रासन में एक पैर ऊपर इन्होंने पेड़ के लगा दिया, बेस्ट तो दिखाना था अभी, तो आज का विजेता का भी नाम बता दो, कल का चैलेंज हमने दे दिया है, एक एक पाद चक्रासन, उत्थित चक्रासन, उत्थित पाद चक्रासन, और विजेता का नाम बता दो, कल विजेता नया जी, आज की विजेता है जानवी यमुनानगर हरियाणा से, ये वीडियो उन्होंने भेजा है, जानवी के लिए जोरदार तालियां, कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ही अच्छा डिम्बासन किया है इन्होंने, बहुत शानदार स्वामी जी, आज का योगिक चैलेंज बहुत ही जबरदस्त है, अगर ये क्योंकि सारी योगिनियां हैं बहुत ही अच्छा योग करती हैं, एक बार फिर से ये चैलेंज दे दें चक्रासन में, चलो भाई दोबारा से एक बार चक्रासन करो जी, ज्योतना जी करे, एक बार उठा दो चक्रासन में, एक बार यो सीधा उठा दिया ऐसे, वाह जोरदार, अभिनंदन भाई अमीषा के लिए, साक्षी के लिए, और क्या हमारी बेटी मधु के लिए, हाँ क्या बात है, सबसे अच्छा साक्षी क्या आज की विजेता साक्षी है भाई, क्या है एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बोलो भारत माता की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, अब भगवान खूब त्रात्र बरसाइयो, मूसलाधार कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारा आज का योग धर्म पूरा हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम।